हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा मसूद एंड आई वेलकम यू टू द अनअपोलोजेटिक शो। आज की एपिसोड बड़ी एक्साइटिंग है क्योंकि आज हम बात करेंगे स्पेस की, फिजिकल और सोशल स्पेस नहीं बल्कि रियल स्पेस की, क्योंकि स्पेस की रेस अब स्टार्ट हो चुकी है। कौन कौन है इस रेस में और ये रेस आखिर स्टार्ट क्यों हुई है, इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिनकी बहुत डिटेल रिसर्च है इस स्पेस केस पर। तो लेट्स गेट कनेक्टेड टू आवर गेस्ट वकास सैयद। वकास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये स्पेस रेस है क्या और कौन कौन इसमें शामिल है। अच्छा, तो अभी स्पेस में जो हो क्या रहा है कि एक कमर्शलाइजेशन हो रही है स्पेस में। तो प्रीवियसली स्पेस मूवीज में दिखाई देती है और जैसे किताब में, स्कूल में स्टडी होती है, लेकिन अब हो रहा क्या है कि टेक्नोलॉजी एडवांस इनफ हो गई है कि अब मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में हो सकती है, ट्रैवल स्पेस में हो सकती है। जैसे एक होटल है स्पेस के लिए, वो स्पेसिफिकली स्पेस के लिए बन रहा है। लेकिन जब स्पेस के बारे में बात करें ना, लेवल्स है स्पेस के विद इन। तो एक है लोअर अर्थ ऑर्बिट, और लोअर अर्थ ऑर्बिट बेसिकली अगर जैसे हवाई जहाज़ है ना, मेरे ख्याल से अगर फ्यू और माइल ऊपर जाए ना, फिर वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में आ जाता है। और फिर वो जो वेटलेसनेस होती है ना, वो ग्रेविटी की वो ताकत, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो आदमी फ्लोट कर सकता है। तो इस एनवायरनमेंट में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो सकते हैं। अभी सारी रिसर्च हो रही है कि किस टेक्नोलॉजी इस एनवायरनमेंट में हम लोग बना सकते हैं। तो ये अभी हो रहा है स्पेस में। तो स्पेस में जो आप सोचें वो अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है स्पेस में। तो ये अभी है स्पेस। ओके, जनरल एक परसेप्शन ये है कि साइंटिस्ट वही उनका इंटरेस्ट होता है स्पेस रिसर्च और प्रोजेक्ट्स पर। आपका ये इंटरेस्ट कैसे बिल्ड हुआ और ये थोड़ी सी जर्नी डिस्क्राइब करें। हाँ, जो स्पेस, तो अभी स्पेस में प्राइवेटाइजेशन अभी हो रही है। तो अगर आपने कभी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप कभी गए हैं, अगर पता है कि लाइन लंबी होती है, काम कुछ होता नहीं है। तो स्पेस अप अंटिल नाउ स्पेस प्राइमरली गवर्नमेंट फंडेड, गवर्नमेंट रन ऑपरेशन थी। तो इनोवेशन बहुत कम थी, काम तो चल रहा था लेकिन इनोवेशन बहुत कम थी, कोई नथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग। तो इन द लास्ट मे बी 10 years देर हैज़ बीन ए प्राइवेटाइजेशन इन स्पेस। तो प्राइवेट कंपनी जो मच और जल्दी से काम कर सकते हैं, थोड़ा क्रिएटिव हैं और कॉस्ट सेविंग्स के being sensitive to cost savings, innovation पैदा होती है। तो मेरा interest इसमें आया था कि जब से मैं बच्चा था, मुझे space बहुत interesting लगती थी। और हम तो सिर्फ space station देखते रहे और वही छोटे-छोटे खिलौने देखते रहे। हाँ, I mean ये Star Wars, जो भी, you know, जो दिमाग में आए space के बारे में, जब मैं बच्चा था यही इसी चीज़ के बारे में सोचता था। तो फिर मैंने देखा था कि स्पेस में अब अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है। लेकिन जैसे आप कह रही थी, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैंने सोचा कि अच्छा स्पेस मेरे लिए नहीं है। लेकिन जब मैंने रिसर्च करने लगा कि कौन कंपनी स्पेस में, एडिडास है स्पेस में, वो जूते बनाते हैं, उनका क्या बिजनेस है स्पेस में, लेकिन उनकी कनेक्टेड टू द स्पेस। हाँ, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि अच्छा क्या मटेरियल बन सकता है स्पेस में जो यहाँ अर्थ में नहीं बन सकता, राइट? डिफरेंट वैक्यूम्स, नो ऑक्सीजन, यू नो, नो ग्रेविटी, वेट डिफरेंस, दीज फैक्टर्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन लाइक इनोवेशन, राइट? तो मैं सोच रहा था कि, तो मेरा बैकग्राउंड है रिक्रूटिंग में, तो मैं सोच रहा था कि, सो वंस आई स्टार्टेड सीइंग व्हिच कंपनीज आर इन स्पेस, दीज आर सम कंपनीज आई हैव वर्क विद इन द पास्ट, लाइक जीई, यू नो, आई हैव डन वर्क विद देम इन द पास्ट। सो आई वाज थिंकिंग, लोगों तो स्पेस में, उनको जॉब तो होनी चाहिए ना। एब्सोल्युटली, कहीं ना कहीं से उनको ढूंढना पड़ता है। तो फिर इस तरीके से मैं इंटर हुआ स्पेस इंडस्ट्री में। तो मैंने सोचा कि ये जो कंपनी जो हायर कर रहे हैं लोगों को, अब ये नहीं है कि मैं एस्ट्रोनॉट ढूंढ रहा हूँ। जैसे कोई किचन बना रहा है स्पेस स्टेशन के लिए, कोई क्लॉजेट बना रहा है स्पेस स्टेशन के लिए, कोई गैस स्टेशन बना रहा है स्पेस, ऐसी चीज़ें, कोई ना कोई इंजीनियर बैठा हुआ है कहीं कंप्यूटर के पीछे, वो डिज़ाइन कर रहा है और ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैंने कहा ये तो आदमी मैं ढूंढ सकता हूँ। तो एज ए बेस्ड ऑन दिस इज हाउ आई फेल्ट इट वुड मेक सेंस टू एंटर। लेकिन वकास, डू यू अग्री कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव और जो ले मैन है उसकी रीच से बाहर की ये सब बातें और चीज़ें हैं, इज़ इट ट्रू, या फिर ये एक आम इंसान भी समझ सकता है कि ओके वो भी अपना कभी वे बना सकता है स्पेस के लिए? I think, क्योंकि आप रिक्रूटमेंट की बात करें तो हम अपने जैसे लोगों की भी बात करेंगे, मतलब या दैट्स अ गुड पॉइंट। क्योंकि अभी जब मैं बात करता हूँ ना लोगों से जिनको नहीं पता, वो मुझे ऐसे देखते हैं कि मैं ऐसे पता नहीं क्या पागल हूँ। लेकिन को ये नहीं पता है कि एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री,
नॉट बिलियन ट्रिलियन मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री अभी पैदा हो रही है स्पेस में, तो अभी टाइम है एंटर करने के लिए. अगर अगर जैसे 1980s में किसी ने आपसे बोला था कि इंटरनेट एक दिन तुम्हारे सेलफोन हाथ में होगा और तुम पूरी दुनिया से कनेक्टेड होगे, तुम they're gonna look at you like you're crazy. मजाक है ये. So same thing right now, space where it is at today is where the internet was in 1980. Mm-hmm. By the year 2030, 2040, space will be everything. Mm-hmm. You know, travel to space will be normalized. Any type of, I mean, there'll be so many products coming from Earth to space and space to Earth. But manufacturing in space is going to be fascinating. Absolutely, but again, my question is कि जो हम जैसे लोग हैं जो बिल्कुल अभी जो struggle कर रहे हैं या कुछ भी, of course ये तो बड़ा expensive होगा क्योंकि अभी बड़े-बड़े जो billionaire trillionaire हैं वो invest कर रहे हैं और उन्हीं की game लग रही है. So एक average इंसान के लिए भी कभी कुछ होगा या नहीं, जैसे कि अभी आपने फोन की एग्जांपल दी क्योंकि एक क्लासिफिकेशन है, अब आपकी जेब जितनी इजाजत देती है आप उतना ही महंगा फोन लेंगे, लेकिन हाँ एक आम इंसान के लिए भी फोन मार्केट में है. right. तो क्या एक आम इंसान भी स्पेस कभी जा सकेगा? हाँ, अभी इनिशियली कोई छोटे छोटे पैकेज उनके लिए भी बनेंगे. डाउन द रोड, आई मीन जैसे पहले जब हवाई जहाज पैदा हुआ था, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रैवल. नाउ यू कैन बाय अ टिकट लाइक $70, यू नो, इट्स सो चीप टू ट्रैवल, यू नो, एट लीस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, आई डोंट नो हाउ इट इज एवरीवेयर एल्स. सो देयर विल कम अ टाइम वेयर द एवरेज पर्सन विल बी एबल टू परचेस अ टिकट, गो इनटू स्पेस 10-15 मिनट्स और स्टे इन अ होटल फॉर ओवरनाइट, बट देयर दैट्स थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए. लेकिन अभी जो आम इंसान है, अगर उनके पास एक आइडिया है जो बिजनेस के लिए स्पेस के अंदर, नाउ इज अ टाइम टू टेक दैट आइडिया, पुट अ प्लान अराउंड इट, एंड देयर सो मच मनी आउट देयर टू इन्वेस्ट इन आइडियाज फॉर आउटर स्पेस. बिकॉज़ यू नो 1980s में इंटरनेट, सो मेनी वेबसाइट्स वर लाइक कंप्लीटली यूजलेस, बट पीपल गेव देम मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू टर्न इट इनटू अ रियल थिंग. And then it never made any money. So right now there is a time to do a lot of experimentation and innovation in space. Of course, पैसा उन्हीं का invest हो रहा है जो के afford करते हैं. लेकिन on the other hand, social media पर हम देखते हैं उन्हीं लोगों की bashing भी की जाती है कि वो क्यों इतना पैसा invest कर रहे हैं जबकि वो पूरी दुनिया से भूख मिटा सकते हैं. But जैसे कि आपने बिल्कुल beginning में discuss किया कि space ही अब future दिखाई दे रहा है. So आप उस bashing को और उस trolling को कैसे लेते हो? Okay, तो जैसे Jeff Bezos है, Elon Musk है, और Richard Branson, Europe, Virgin Atlantic, you know, the Virgin Airlines. The reason they're investing in space, there is a belief in mathematically and scientifically, the Earth has a finite life. It's eventually going to, you know, not be habitable for life. So at some point we need to think about that in real terms and say, okay, what does life outside of Earth look like if we want to preserve the human race? Now, you know, obviously Islam may different, you know, we have different perspectives, obviously. But the scientific community looks at it from the perspective of a math calculation. The Earth in a certain billion years is not going to be here anymore. So what do the humans do? We have to go somewhere. Right? जो यहाँ पे तंग आ गए. So these people like Elon Musk, Richard Branson, you know, Jeff Bezos, and so many others. These are just the most, you know, obvious ones because they're building the rockets to get you there. But there's other people that are building the stuff to take up there, right? They're all doing it from the perspective of life on Earth is what it is. We can't change it. It is, you know, this is what it's going to be. But there is a new life that we can create. Just like, you know, when Queen Isabella in the 1400s commissioned, you know, Spanish sailors to visit, you know, they thought they were going to India, but they ended up in the Americas. They didn't know where they were going. They just knew there was something there. They went to go look, and now we have America, South America, you know, we have all this stuff, right? So this is like the new kind of frontier of explorers going out to space. They don't know what they're looking for. Unko kya pata hai ki kya milega? Lekin unko pata hai ki once we're there, we will figure it out. And that's the human spirit. So that's really what's happening, you know. Okay, Vakas hamare saath hai, lekin abhi hum lenge ek chhota sa commercial break, aur break mein main Vakas se request karungi, jahan ye itni recruitment kara rahe hain, hamare TV ko bhi koi station mein le jaye, kisi space station par le jaye. Let's take a break. Stay tuned to the Unapologetic Show.
वेलकम बैक टू द अनअपोलोजेटिक शो. लेट्स जंप इनटू आवर फर्स्ट सेगमेंट ट्रूथ और ड्रिंक. सो वकास, हमारे इस सेगमेंट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी और आपको पिक करना है या तो ट्रूथ या फिर ये टैप वाटर. चॉइस आपकी होगी. आर यू रेडी? जी, I'm ready. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये पानी का साया? ये पानी एक सीक्रेट है. अब अगर आप सच नहीं बताएंगे तो फिर आप खुद टेस्ट करके बताएंगे ये क्या है. ऑलराइट, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वियर्डेस्ट ट्रेंड यू हैव एवर पार्टिसिपेटेड इन? मुझे लगता है कि ये जो मैं जो पतली पतलून पहन रहा ना, ये एक ट्रेंड. क्यों? जब पहले बड़ी पतलून थी, फिर मीडियम साइज पतलून, सुपर सा, अगर और छोटी हो जाए ना, फिर आई डोंट थिंक आई एम वेयरिंग एनी, यू नो, आई एम गोइंग बैक टू द पजामास, यू नो. लेकिन आप तो स्पेस जा रहे हैं, हो सकता है जरूरत ही ना पड़े. हो सकता है, हो सकता है. एनीवेज, आपका एक जो है वो तो बच गया. ऑलराइट, गुड. So the second question is, what is an instant deal breaker in a potential love interest? Potential deal breaker. वो जो ये मेरे लिए बहुत difficult है, जो I don't know. वैसे हाँ. Okay. All right, your third question is, Jeff Bezos or Elon Musk, who you are following blindly and why? Elon Musk. I think because Elon Musk, he is very naturally passionate about space. He took the time to study. He's not an engineer. Anyone can do what Elon Musk did. He pick up a book and just study it and believe in himself and make it happen, you know. So I'm down with Elon Musk. Okay. So. All right. What five things would you bring to a deserted island? Ah, okay. Obviously, pani. Maybe not this pani, but pani. Okay. Cigars. Mm-hmm. A knife. And, you know, the stone to make a fire. Mm-hmm. And like a bow and arrow. And number five? Maybe a rope. Oh, okay. All right. Your fifth and last question is, आपको अपने किसी फ्रेंड को कॉल करना है और उसे कन्विंस करना है कि वो आज आपके साथ हंडुरस चले और फाइनलाइज करे एक सिगार डील को. आपका टाइम शुरू होता है अब. यू जस्ट हैव 25 seconds and put that call on speaker. Yes, okay. Absolutely. Let me see if I can find somebody. देखते हैं देखते हैं आपकी कॉल भी उठा कर और आपने 25 सेकंड में कन्विंस करना है. Speaker? Absolutely. Okay. Hey, Crystal. Yes. Can you pack your bags? Because I need to go to Honduras today. Yeah, I have to go today in order to finish this cigar deal, and I need you there, so you can look at the branding. Can you come? Yeah. Okay, I'll be there in 15 minutes. Okay. 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 All right. Thank you. Bye. एक्सलेंट बकास, एक्सलेंट. एंड अभी आपको वापस कॉल बैक करके ने बताना होगा कि ये एक मजाक था. मैं जाऊंगा उसके साथ, बैग्स पैक करें और तैयार हो गए. ऑलराइट बकास, यू वर सो गुड इन दिस सेगमेंट और आपने तभी सभी क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छा आंसर किया है. एंड लेकिन फिर भी कुछ पानी बच गया है जो कि अब हम जाया कर देंगे. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, वुड यू रादर. ओके बकास, इस सेगमेंट में मैं आपके सामने दो सिचुएशंस रखूंगी एंड यू हैव टू पिक वन सिचुएशन. ओके, योर फर्स्ट सिचुएशन इज, वुड यू रादर हैव द एबिलिटी टू सी 10 मिनट्स इनटू द फ्यूचर और 150 इयर्स इनटू द फ्यूचर? 10 मिनट्स और 150 इयर्स? डेफिनेटली 100. फॉर हाउ? जस्ट वन टाइम और ऑलवेज? जस्ट वन टाइम. अबाउट 10 मिनट्स. वुड यू रादर टीम अप विद वंडर वुमन और कैप्टन मार्वल? कैप्टन मार्वल. Would you be rather in jail for 5 years or be in a coma for a decade? A decade? I think I'll be in a coma for a decade. क्या पता कैसे दुनिया लगेगी 10 साल बाद? Space का क्या बनेगा? Interesting होगी. Space का क्या बनेगा? Well, one day I have to explain to you what happens if you travel the speed of light. Space जाते हुए decade के लिए. आपको पता है अगर आप speed of light travel करें ना, जैसे 25 years.
20 years, 10 years this way, 10 years back, by the time you come back to the Earth, like maybe 6 million years have passed. Mm-hmm. But you'll have only aged 20 years. Oh my gosh, फिर तो जाना चाहिए. It's crazy. The math is insane. Okay. Yeah. Would you rather have everyone you know be able to read your thoughts or for everyone you know to have access to your internet history? I think it's like more or less the same. So maybe just read my thoughts and get it over with, you know? All right. Would you rather lose your sight or your memories? Memories. Would you rather labor under a hot sun or extreme cold? Sun. Would you rather have a personal maid or personal chef? Maid. Would you rather be 11 feet tall or 9 inches tall? 9 inches. Huh? I mean, there's so many things you could. No one notices you, you're walking around with the cap of that. Okay. Would you rather be an extra in an Oscar winning movie or the lead in a box office blockbuster? Oh, I'll be the lead in a blockbuster. All right, Vikas, you were instant and very good in answering. All right, with this, hum jayenge apne third or last segment, Twitter RT. Welcome to our segment, the unapologetic Twitter RT. तो वकास, इस सेगमेंट में मैं आपको कुछ ट्वीट्स शो करूंगी, आपको वो ट्वीट्स पढ़नी है और उसके बाद आपने अपना इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना है. Okay. वो एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं और वो वर्बल भी हो सकता है. ओके, सो योर फर्स्ट ट्वीट इज दिस. ओके, टॉप डॉग वसाबी द पेकिनीज विंस बेस्ट इन शो एट द वेस्टमिंस्टर केनल क्लब डॉग शो. मेरे इनिशियल रिस्पॉन्सेस के बाल कितने खूबसूरत हैं कि मेरे बाल ऐसे होते हैं, लेकिन वो वक्त चला गया. Alright, your second tweet is this. Okay, YouTube said it will ban ads related to gambling, alcohol, and prescription drugs, as well as political and election ads, from its masthead. The banner displayed at the top of its website and apps. Oh, I mean, vegan. I mean, I don't have. It's good. I'm not in any of those businesses, so it doesn't impact me. Alright. Yeah. Okay. So you're. Third and last tweet. Okay. Spoke to Honorable Zaid Qureshi to congratulate him on being the first ever Muslim American to be confirmed as a federal judge. His Pakistani descent makes him a source of pride and inspiration for the Pakistani community across the United States. This is very good. You know, congratulations, Mr. Qureshi. I think this is great for all Pakistanis and just people in general, all people of color in America. You know, it's great to see that people like Mr. Qureshi. Yeah, he can, accomplish this feat, and it sets the tone for, you know, many young people to try to follow in his footsteps in whatever they do. All right, with this, the time's up, and we have to show our end. But before we end, Vikas, I really want you to give a message to the viewers, so that those who don't have any knowledge about space, but they do have a little interest, so how can their interest boost? Okay. I think the first and foremost is don't ask permission to enter the space industry. I didn't ask permission from anybody. I just saw a need and I just took the initiative to take that step. Same thing Elon Musk. He did not ask permission to enter the space industry. He's not a scientist. He's not an engineer. He just opened a book, started doing the research, and built an entire business in a rocket that goes into outer space. So if you are looking to enter space or any industry, don't ask permission. Do the research. Learn for yourself. And then talk to people who share the same mindset and just go after it. Just do it. That's the only thing you can do in life. Just go after it and do it. Don't ask anybody. Don't wait for someone to tell you yes. Just do it. All right. बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत मैसेज वकास ने दिया कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करें. हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है बल्कि अपने दिल को पूछने की ज़रूरत है. जहाँ दिल ले जाए वहाँ ज़रूर जाना चाहिए. With this message, Allah Hafiz and stay tuned to Play TV.